हाय, मैं हूँ डॉक्टर सबीना। नमूना ने इतने कम वक्त में और इतने थोड़े वीडियो पर इतनी बड़ी कम्युनिटी बनाकर साबित कर दिया है, शी इज़ द बेस्ट। ममूना मुस्लिमा अपनी रेमेडीज़ को कमाल रिसर्च और एक्सपेरिमेंट के बाद बनाती हैं और ये रेमेडीज़ काम भी करती हैं। मैं इस चैनल के तमाम व्यूअर्स को ममूना के टिप्स को यूज़ करने के लिए सजेस्ट करती हूँ, इंडोर्स करती हूँ। बेस्ट विशेज़ फॉर द फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल। स्टे हेल्दी एंड लव फॉर ममूना मुस्लिमा। बाय। तो कैसे हैं आप? आज की वीडियो मेरी प्रीवियस कुछ वीडियो से एसोसिएट भी हो सकती है। इसमें हम बात करेंगे मेडिकेटेड सनब्लॉक से मुतलिक कि कौन सा सनब्लॉक आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है अगर आप कोई वाइटनिंग नाइट क्रीम यूज करते हैं या कोई स्किन थेरेपी ले रहे हैं तो आपके लिए सनब्लॉक कितना ज़रूरी है। क्या सनब्लॉक में इतनी सलाहियत होती है कि वो आपको धूप में काला होने से भी बचाए और छाइयों का भी इलाज करे। इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन इस वीडियो प्रोमो के बाद। सो व्यूअर्स, हमारी प्रीवियस वीडियो चारकोल मास्क और ब्लैक हेड को रिमूव करने से मुतालिक थी और नेक्स्ट वीडियो होगी PCOD और PCOS के मुतालिक, जो कि आजकल हर 10 में से एक या दो फीमेल को है और उसे पता ही नहीं। और मजीद बात करेंगे इसकी वजह से होने वाले चेहरे पर इफेक्ट पर। इसके अलावा अंकित करेंगे रिव्यू वोक्स डीडी क्रीम का। तो इनकमिंग वीडियोस का बर वक्त नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए इस रेड सब्सक्राइब बटन को दबाइए और इस घंटी के बटन पर क्लिक कीजिए। वेलकम बैक, ममूना मुस्लिमा इज हेयर। तो हमारे पास जहाँ है स्टाइफल कंपनी का सनब्लॉक, इसका नाम भी सनब्लॉक है। ये एक मेडिकेटेड सनब्लॉक है और मेडिकल स्टोर से ही मिलेगा। असल में अगर आप कोई भी स्किन ट्रीटमेंट ले रहे हैं या कोई स्किन थेरेपी करवा रहे हैं तो डॉक्टर आपको सनब्लॉक जरूर प्रिस्क्राइब करेगा। या अगर आप छाइयों के लिए कोई क्रीम यूज कर रहे हैं जिसमें स्किन छिलकों की सूरत में उतरे तो इसके लिए भी सनब्लॉक बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा अगर आप कोई भी नाइट क्रीम व्हाइटनिंग के लिए यूज कर रहे हैं तो इस सूरत में भी सनब्लॉक इंतहाई जरूरी है, वरना फायदे के बजाय नुकसान होगा। मजीद अगर आपने फेशियल या ब्लीच करवाने के बाद धूप में निकलना है तो भी सनब्लॉक बहुत ही जरूरी है। वैसे आम हालात में भी अगर आप स्किन की तरफ से कॉन्शियस हैं तो भी आपको सनब्लॉक जरूर यूज करना चाहिए। कुछ डे क्रीम्स के अंदर ऑलरेडी सनब्लॉक होता है तो इस सूरत में सनब्लॉक यूज करने की जरूरत नहीं रहती। इससे पहले मैं बच्चों और बड़ों के सनब्लॉक पर वीडियोस बना चुकी हूँ जिसे आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इसमें मैंने रिवाज यूके सनब्लॉक का रिव्यू दिया था, लेकिन वो थोड़ा थिक होने की वजह से एक तो व्हाइटनेस छोड़ता है और दूसरा पसीना आने की सूरत में स्किन पर फैल जाता है और इसका हल मैंने इस सनब्लॉक से निकाला है। रिवाज यूके को जब मर्दाना चेहरे पर या बालों वाले चेहरे पर लगाया जाता है तो इसको ब्लेंड करना खासा मुश्किल हो जाता है। एक तो इसकी व्हाइट कॉज खत्म करने के लिए इसके साथ खासा दंगल करना पड़ता है और जहाँ जहाँ बाल होते हैं ये उनमें फंसकर रह जाता है और उनके साथ ही स्टे कर जाता है, जो बाद में काफी अजीब सा लगता है। रिवाज यूके के ऊपर व्हाइटनिंग एंड वैनिशिंग सनब्लॉक लिखा हुआ है। व्हाइटनिंग की हद तक तो काफी ठीक है, लेकिन वैनिशिंग नहीं है। नो डाउट के बतौर सनब्लॉक इसके अच्छे रिजल्ट्स हैं। काफी देर तक ब्लेंड करने के बाद भी हम इसे इतना ही ब्लेंड कर पाए हैं और व्हाइटनिंग जगह जगह पर धब्बों की सूरत में नजर आ रही है। इसके बरक्स अगर हम स्टेफल के सनब्लॉक को अप्लाई करते हैं, ये भी क्रीमी फॉर्म में है और इतना थिक नहीं है और मेरे ख्याल में इसे ब्लेंड करना भी आसान है। बालों के दरमियान थोड़ी सी व्हाइटनेस नजर आ रही है, लेकिन थोड़ा मलने से वो भी खत्म हो जाती है। अब अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें तो राइट साइड पर रिवाज की एप्लीकेशन थोड़ी व्हाइट लग रही है और थोड़ी रफ भी लग रही है और स्किन बिल्कुल फ्लैट व्हाइट एंड ड्राई लग रही है, जबकि लेफ्ट साइड पर स्टेफल का सनब्लॉक ना सिर्फ पूरी तरह वैनिश हो गया है बल्कि स्किन भी काफी मॉइस्चराइज लग रही है, जैसे कोई मॉइस्चराइजर लगाया हो। हम तकरीबन 15 मिनट वेट करते हैं कि गर्मी में ये कैसी लुक देता है। 15 मिनट लगाने के बाद भी रिवाज में कोई फर्क नहीं पड़ा, स्किन वैसे ही ड्राई लग रही है
और बालों के दरमियान वैसे ही स्पॉट्स नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरे वाला ना सिर्फ अच्छी तरह वैनिश हो गया है बल्कि अच्छी मॉइस्चराइजिंग लुक भी दे रहा है। इसकी स्मेल भी बिल्कुल हल्की सी है लेकिन थोड़ी दवाइयों जैसी है। रिवाज यूके पर अगर पानी डालें तो पता चलेगा कि ये वाटर रेजिस्टेंट है, लेकिन जब नीचे से पसीना निकलेगा तो ये स्किन पर फैल जाएगा। जबकि ये दूसरा इतना वाटर रेजिस्टेंट तो नहीं है और पसीना आने पर इतना ज्यादा फैलता भी नहीं है। दोनों में हल्की सी ऑयलीनेस भी है, दोनों में SPF 60 यूनिट्स हैं। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनब्लॉक है जो यूवी प्रोटेक्शन के साथ साथ और भी बहुत से काम करता है, जैसे फोटोस्टेबल यानी पिगमेंटेशन को रोकना, पैराबिन फ्री यानी इसमें पैराबिन नहीं है। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में अक्सर पैराबिन एज प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है, जिनसे एस्ट्रोजन हार्मोन की मिकदार बढ़ जाती है। एस्ट्रोजन और एंड्रोजन क्या चीज होती है ये मैं आपको नेक्स्ट PCOD वाली वीडियो में बताऊंगी। इसके अलावा नॉन ग्रीसी है और वाटर रेजिस्टेंट है। यहाँ इसके इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं और यहाँ इसकी यूजेज कि अपने फेस, गर्दन और बॉडी पर धूप में जाने से कम से कम 30 मिनट पहले लगाइए। ये अगर आप मेडिकल स्टोर से लेना चाहें तो 300 रुपए में मिल जाएगा। इसी तरह ये कुछ और मेडिकेटेड सनब्लॉक्स हैं, जैसे यू विल फोर्ट सनस्क्रीन क्रीम और सन केयर लोशन। सो अगर आपको कोई ऐसा सनब्लॉक चाहिए जो इतनी ज्यादा व्हाइट कास्ट ना छोड़े और जल्दी वैनिश हो जाए तो इसके लिए ये बेस्ट है। सो अगर आपको ये सनब्लॉक भी पसंद नहीं आया या अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है या सेंसिटिव है तो फिर आपके लिए स्पेक्ट्राबैन सनस्क्रीन सबसे बेहतर रहेगा। ये सीबम कंट्रोल जेल है, ये क्रीमी फॉर्म में नहीं है बल्कि जेल फॉर्म में है। यूवी प्रोटेक्शन के साथ साथ ऑयल को भी कंट्रोल करेगा। बेस्ट फॉर ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन एंड आल्सो सुटेबल फॉर सेंसिटिव स्किन। ये सनस्क्रीन भी स्टाइफल कंपनी का है और डार्क स्पॉट और पिगमेंटेशन के लिए बहुत कमाल की प्रोडक्ट है और USA इम्पोर्टेड है। इसमें बेशुमार खूबियां हैं सिवाय एक बुराई के, और वो बुराई ये है कि इसकी कीमत 2500 रुपए है। खैर, इस वीडियो का कंक्लूजन ये था कि सनब्लॉक की यूजेज जानना, कोई ऐसा सनब्लॉक डिस्कवर करना जो हर तरह की स्किन पर इफेक्टिव हो, और एक आम सनब्लॉक और मेडिकेटेड सनब्लॉक का रिव्यू और कंपैरिजन करना। वो सब कुछ तो हमने कर लिया है, अब बाकी जो रह गया है वो है वीडियो को लाइक करना। सो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखते रहिए और सीखते रहिए वो बातें जो कोई नहीं बताता। सब्सक्राइब का ये रेड बटन दबाइए और इस बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।